सत्र 2023 में राज्य सहित विदर्भ को क्या मिला, इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। आइए डालते एक नजर। विधायक विश्वजीत कदम हमारे साथ है। जानते हैं कि आज शीत सत्र का आखिरी दिन है, महाराष्ट्र को और खासकर विदर्भ को इस शीत सत्र ने क्या दिया है, क्या बताओ? देखिए, शीत सत्र का कई सालों से यहाँ पे विदर्भ में, नागपुर में किया जाता है और विदर्भ की मांगे, लोगों की इच्छाएं पूर्णी करने का एक अहम प्रयत्न सरकार का रहता रहा है। लेकिन विदर्भ महाराष्ट्र का भाग है और महाराष्ट्र की जनता को भी क्या चाहिए, किसानों के, मजदूरों के, हमारे विद्यार्थियों के, माँ बहनों की भी कुछ इश्यूज है, उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इस सिरसत में अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ दे नहीं पा रही है। जो उनके साथ गए हुए MLAs है, कि जो जो पार्टीज के टूटे हुए MLAs है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जा रहा है और कुछ ही महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जहाँ से MLA उन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। आज भी मैं देख रहा हूँ मराठाओं का आंदोलन चल रहा है, धनगर कम्युनिटी का हमारा आंदोलन चल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिला है। हम कभी कोशिश करेंगे आगे सरकार के माध्यम से न्याय मिले। विपक्षियों ने अभी काली फीत लगाकर निषेध भी किया है। अभी देखिए, हमारा तो आंदोलन चलता रहेगा किसानों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, तो देखते अभी कैसे होगा। मैंने जैसे कहा कि बजट की इस जो बजट की पूर्व में मांगनियाँ हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को क्षेत्र को मिला नहीं है, लेकिन आगे चलते देखते क्या होगा। शीत सत्र के दौरान कई मांगों को जो है, कई विधायकों की मांगे जो है यहाँ पूरी नहीं हुई है, ऐसा विश्वजीत कदम इनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN News नागपुर।